दो कुर्ते हैं जो आपके पास होने ही होने चाहिए, वो है प्लेन ब्लैक कुर्ता एंड प्लेन व्हाइट कुर्ता। लॉन्ग कुर्तों की वैरायटी मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में है वो है सीक्वेन और मिरर वर्क। और अगर आपको सीक्वेन या मिरर वर्क बिल्कुल ही नहीं पसंद आता, मतलब जमा ही पसंद नहीं आता, देन गो फॉर दीज, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेटअप के हिसाब से आपको पता लग ही गया होगा कि भाई दिवाली सीजन स्टार्ट हो गया, अब बर्थडे पार्टी होगी, दिवाली पार्टी होगी और एचआर की ईमेल आएगी भाई दिवाली पार्टी इज ऑन। तो हर चीज में सिर्फ एक चीज कॉमन होगी और वो होगा ड्रेस कोड, जो कि होगा एथनिक। तो फेस्टिवल जो मर्जी हो, राखी हो, नवरात्रि हो, दशहरा हो, दिवाली हो, एथनिक वेयर पहनना आना चाहिए। और आपको मेरी तरह 100 कुर्ते नहीं लेने, आपको सिर्फ थोड़े से ही कुर्ते लेने हैं और बजट में होने चाहिए वो, है ना। तो ये वीडियो इस सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से कुर्ते इस साल के अंदर ट्रेंड में है, कौन से कुर्ते स्टेपल है जो आपके पास होने चाहिए और कौन से कुर्ते किस ओकेजन के हिसाब से आप पहन सकते हो, यानी किसी कॉलेज पार्टी में या किसी दोस्त के घर पे या कोई ऑफिस ऑफिशियल पार्टी। तो बिना किसी बगैती के आओ शुरू करें। तो कुर्तों की अगर लेंथ की बात करें तो वी हैव 3 टाइप्स, लॉन्ग, शॉर्ट एंड मीडियम। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट कुर्तों के बारे में। तो शॉर्ट कुर्ते बेस्ट रहते हैं कैजुअल ओकेजन के लिए, किसी भी स्पेशल ओकेजन पर इसे मत पहनना, कैजुअल डेज पर कॉलेज में या तो ऑफिस में आप इसे पहन सकते हो। कैजुअल लुक के लिए गो विद जीन्स, स्ट्रेट फिट या तो स्लिम फिट जीन्स विल लुक बेस्ट। एंड अगर आपको थोड़ा जाजअप करना है यू कैन ऑल्सो ट्राई पैंट्स, ट्राई टू कीप इट मिनिमल क्योंकि वो सोफिस्टिकेटेड और क्लासी लगता है। दो टाइप के कुर्ते जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है, एक मिनिमल डिजाइन वाला और एक स्ट्राइप्स वाला। अब बात करते हैं लॉन्ग कुर्तों के बारे में। लॉन्ग कुर्तों की वेरायटी मार्केट में बहुत ज्यादा है और मैंने रिसेंटली कतरन मार्केट भी गया था जो फैब्रिक मार्केट, और मैंने ऑनलाइन भी काफी सर्च करी थी। तो सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में है वो है सीक्वेन और मिरर वर्क। तो मिरर में भी इट डिपेंड्स अपॉन योर एस्थेटिक कि आपको किस अमाउंट का या कैसा मिरर वर्क चाहिए। तो ये है पहला मिरर वर्क जिसमें मिरर वर्क हैवी है एंड एम्ब्रॉयडरी काफी कम है, बट ये ऑन द अदर साइड मिरर वर्क इसमें काफी कम है एंड एम्ब्रॉयडरी ज्यादा है। मैं ये वाला किसी स्पेशल ओकेजन या स्पेशल इवेंट पर पहनूंगा, सपोजिटली किसी की शादी है या कुछ उस टाइप का इवेंट, बट ये मैं किसी दिवाली पार्टी पर इजिली रॉक कर सकता हूँ। अब बात करते हैं सीक्वेन के बारे में। सीक्वेन में भी बहुत वैरायटी आती है, बट आपके लिए मैंने ब्रेक डाउन कर दिए हैं जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। तो सबसे पहले हम इन दो कुर्तों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों का काम ऑलमोस्ट सिमिलर है, कढ़ाई थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी बट हाँ काम बहुत सिमिलर है। एंड ये कलर डार्क टोन्स है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डार्कर टोन्स आप रात को पहने क्योंकि वो ज्यादा रॉयल लुक प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप डार्क कलर्स पहन रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसका सीक्वेन वर्क जो है वो कॉपर या तो गोल्ड का हो क्योंकि वो और ज्यादा उसे कॉम्प्लीमेंट देगा। बट फॉर ब्राइटर कलर के कुर्ते गो फॉर सिल्वर सीक्वेंस वर्क, इसमें कढ़ाई काफी ज्यादा है, बट अगर आपको कढ़ाई ज्यादा नहीं पसंद तो इसमें कम कढ़ाई वाला भी ले सकते हो। बट यही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्राइटर कलर्स के साथ या कढ़ाई कम वाले के साथ भी आप सिल्वर सीक्वेंस ही लो। सो अगर आपको सिल्वर या गोल्डन कलर का सीक्वेंस वर्क बिल्कुल नहीं पसंद, यू कैन ऑल्सो गो विद वन मोर सीक्वेंस वर्क जो कि ये है, वो है ट्रांसपेरेंट सीक्वेंस वर्क। बट आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें कलर जो है वो न्यूट्रल लो वो, क्योंकि ज्यादा खेल के आएंगे उसके साथ। और अगर आपको सीक्वेन या मिरर वर्क बिल्कुल ही नहीं पसंद आता, मतलब जमा ही पसंद नहीं आता, देन गो फॉर दीज, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और इसमें एक और कलर अवेलेबल है, माउस कलर, मतलब वाओ वाओ वाओ। अच्छा ठीक है, भक्चोदी साइड रख के अगर आपको मिरर या सीक्वेन वर्क बिल्कुल नहीं पसंद, यू कैन गो फॉर दीज, चिकनकारी या तो फिर एम्ब्रॉयडरी। चिकनकारी और एम्ब्रॉयडर कुर्ते जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है और आप किसी भी इवेंट या ओकेजन पर पहन सकते हो, कोई ऑफिशियल पार्टी है, दिवाली पार्टी किसी दोस्त की है या ऑफिस में पहनना है आप पहन सकते हो। ऑल्सो अगर आपको डे में पहनना है देन गो फॉर ब्राइट कलर्स, एंड अगर आपको रात को पहनने हैं देन गो फॉर डार्कर कलर्स। नेक्स्ट कैटेगरी जो मैंने रनवेज पर बहुत ज्यादा देखी है वो है प्रिंटेड कुर्ते लाइक दीज, बट ये इतने ज्यादा फेमस नहीं है जितने फ्लोरल कुर्ते फेमस है। इस टाइप के कुर्ते आर बेस्ट फॉर कैजुअल आउटिंग और इसे आप डे इवेंट या नाइट इवेंट कहीं पर भी पहन सकते हैं। तो ये सारे कुर्ते तो हो गए ट्रेंड के हिसाब से या तो डिफरेंट ओकेजन या इवेंट के हिसाब से, बट दो कुर्ते हैं जो आपके पास होने ही होने चाहिए, वो है प्लेन ब्लैक कुर्ता एंड प्लेन व्हाइट कुर्ता। तो इनका सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है ही कि अपने आप में रॉयल तो लगते ही लगते हैं, बट इसे आप इजिली एलिवेट भी कर सकते हो विद अ नेहरू जैकेट। इन्हें एलिवेट करने के भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं विद नेहरू जैकेट ओनली। अगर आपको प्लेन चाहिए तो आप प्लेन नेहरू जैकेट के साथ भी एलिवेट कर सकते हो, बट उसमें थोड़ी नेता वाली फील आएगी। ऑल्सो आपके पास फ्लोरल प्रिंट्स भी है, फ्लोरल प्रिंट का थोड़ा अच्छा एलिवेट होगा, आप इसे यूज कर सकते हो डे इवेंट पर और नाइट इवेंट पर भी यूज कर सकते हो। अगर आपको अपना व्हाइट या ब्लैक कुर्ता थोड़ा पॉप करना है देन यू कैन यूज दिस पॉपिंग थोड़ा कलरफुल नेहरू जैकेट। ये दोनों व्हाइट और ब्लैक कुर्ते के साथ अच्छी लगेगी और आप किसी भी इवेंट पर पहन सकते हो।
लास्टली अगर आपको रॉयल सोफिस्टिकेटेड और क्लासी लुक चाहिए यू कैन गो विद दिस। ये थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड है एंड उसके अंदर थोड़ा सीक्वेंस वर्क है, ये बहुत क्लासी और बहुत ही ज्यादा सेक्सी लगता है। अब कुर्तों का तो हो गया, बट आपको एक चीज है जो फॉलो करनी ही करनी है, आपको एक्सेसराइज करना है विद अ वॉच एंड सम रिंग्स। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं बात करूंगा कि कौन से फुटवेयर और कौन सा बॉटम वेयर ऐसे कुर्तों के साथ सबसे बेस्ट रहेगा एंड एक कुर्ते के साथ आप 5 आउटफिट्स कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट सब कुछ करना। नेक्स्ट वीडियो सैटरडे को आ रही है तो उसे भी जरूर जरूर और जरूर देखें।